अभी मैं आयांश के घर पे हूँ और देख सकते हैं आयांश को मदद करने के लिए कुछ युवा साथी आए हुए हैं आयांश के घर पे। चलिए इन्हीं से जानते हैं कि आखिर क्या वजह है कि इतने दूर से आरा से चलकर ये आयांश के घर आए हुए हैं। भैया इतने अफवाह फैलाए जा रहे हैं आयांश को लेकर, फिर भी आप आयांश के घर पे आए, आखिर क्या वजह है? हम उनसे मिलना चाहते हैं और देखना चाहते हैं मतलब वो कैसे हैं और उनका हालचाल कैसा है, बस और कुछ। आयांश को देखने के लिए आप आरा से आए? जी जी, हम लोग उनको देखने के लिए आए। उनको यहाँ पे आए तो क्या लगा, आयांश की जो बीमारी बताया जा रहा था, अफवाहें उड़ाई जा रही थी कि भाग जाएंगी, यहाँ की है ही नहीं, इस पे क्या कहना चाहिए? ऐसा कुछ बात नहीं, मतलब देखने में मतलब लगा कि तबीयत इनका बहुत ज़्यादा ख़राब है, उनके इलाज की बहुत ज़्यादा सहायता है, भगवान करे वो अच्छे से जल्दी ठीक हो जाए और इनकी जितनी हो सके उतनी सहायता की जाए, जितनी हमसे मिलेगी हम भी उनकी सहायता करेंगे इनकी, और बाकी लोग से यही पक्ष रहे वो भी सहायता करें इनकी। जी हाँ, देखिए आयांश को मदद करने के लिए आरा से चल के आए हुए इनसे जानते हैं। यहाँ पे आए तो क्या लगा आपको कि जैसे आरोप लगाया जा रहा था आयांश की मम्मी पे कि भाग जाएंगे, क्या लगता है? ऐसा कुछ नहीं लगता है, हम लोग यहाँ पर आके देखे तो आयांश को बहुत खुशी हुआ। खुशी हुआ? हाँ बहुत खुशी हुआ। आयांश की तबीयत ख़राब है? हाँ तबीयत ख़राब है, यहाँ पर आकर हम लोग देखे, खुद ही देखे तो अच्छा खुशी हुआ कि आयांश अभी ठीक हुआ है शायद। तो अभी जो मुहिम रुका हुआ है आप सपोर्ट करेंगे? हाँ सपोर्ट करेंगे, हम लोग क्यों नहीं सपोर्ट नहीं करेंगे, मगर अफवाह कुछ फैलाया जाता है ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग फैलाने वाले गलत फैलाया? हाँ शायद गलत फैला रहे होंगे। जी हाँ, आयांश के घर पे बहुत सारे युवा आए हुए हैं, चलिए इसे जानते हैं आखिर क्या वजह है कि आप आरा से चल के आयांश के घर पे हैं। सबसे पहला बात तो आज ये मेरी रिलेशन में मौसी लगती हैं और आयांश को हम देखने के लिए एकदम बेचैन हो रहे थे, तो आज सोचे कि चलो आज टाइम मिला था हमको, चलिए आयांश से मिल लेते हैं। दूसरा बात कि जो लोग अफवाह फैला रहे हैं मैं उनको बता देता हूँ ना कि कभी आयांश को गोदी में लेकर के देखिए, उसके बाद आपको पता चलेगा कि आयांश क्या है क्या नहीं है। घर में बैठ कर के अफवाह मत फैलाइए, आयांश को आकर के मिलिए यहाँ पर और देखिए कि क्या है। अभी जो हमसे होगा मदद करेंगे और आगे भी मदद करेंगे और भगवान से यही कामना करते हैं कि आयांश जल्द से जल्द ठीक हो जाए। बहुत आयांश बहुत अच्छा लड़का है, गोदी में लेकर के देखिए, बीमारी रियल बात है ये, आप आ करके एक बार मिलिए जो लोग अफवाह फैला रहे हैं। जी हाँ, जिसको भी शक है, जिसको लगता है कि आयांश के घर पे धांधली चल रहा है या फिर जो भी आरोप लगा रहे हैं, जो अफवाह फैला रहे हैं, अभी डिस्क्रिप्शन में आयांश की मम्मी का नंबर और पूरा एड्रेस, यहाँ आने का कैसे कैसे आना है वो सारा एड्रेस आयांश का घर का डाला हुआ है, आप वहाँ से एड्रेस को फॉलो करके आ सकते हैं। जैसे ये भाई साहब ये लोग आए हैं अभी आ सकते हैं, देखिए यहाँ पे मदद कर रहे हैं, इनसे भी जानेंगे आखिर क्या वजह है कि इतने दूर से चल के आए। सबसे पहली बात तो इनसे मिलकर हमको बहुत अच्छा लगा क्योंकि इतनी तकलीफ़ में इस बच्चे को देख के हमको भी बहुत दिल में दर्द होता है, इतने छोटे बच्चों को ऐसे तकलीफ़ में देख के। और हम लोग का देखने का तात्पर्य यह है कि मतलब इतने कष्ट में लड़के को देखे हैं इसलिए हम लोग को बहुत अंदर से दुख होता है और हम चाहते हैं कि सभी युवा पीढ़ी से एक बढ़ के आगे से आगे निकल के इस चीज़ को मदद करें और इस बच्चे की जान बचाएँ। बहुत अफवाह फैलाया गया पत्रकार के द्वारा, समाज सेवी के द्वारा, जिसको मन किया वो बोल दिया आयांश की मम्मी भाग जाएगी, इस पे क्या कहना चाहिए? नहीं, हम जिस यही बोलेंगे पूरे समाज से, अगर आपको ऐसा लगता है तो प्लीज़ एक बार मेरे से हाथ जोड़कर पूरे समाज से निवेदन है, एक बार आकर मिले, इस बच्चे को देखे, गोद में ले, खिलाएं, फिर उसके बाद आपको पता चलेगा क्या हुआ है, क्या चीज़ क्या सच्चाई है क्या सच्चाई नहीं है, झूठा अफवाह फैलाना ये चीज़ बंद करें। जी हाँ, देखिए जो अफवाह फैलाए हैं प्लीज़ करके देख लिए, आप ही के बीच से आए हैं और आयांश को मदद कर रहे हैं। देखिए अभी एक भाई साहब है, आयांश को अपने तरफ से 500 का राशि मदद किया है, देखिए यही ये जो 500 का राशि है शायद आपके लिए चाहे इनके लिए कुछ नहीं होगा, पर कहीं ना कहीं इससे आयांश की ज़िंदगी बच जाएगी। जो मुहिम रुका हुआ है कि अभी तक हम लोग 500 का मदद किए हैं, आगे भी ज़रूर मदद करेंगे, जितना हो सकेगा उतना मदद किया हमें, पहले से भी हम लोग मदद किया, जितना दोस्त है सबसे मदद करवाए भी हम लोग, हाँ पहले से हम लोग मदद किए हैं और करवाए भी, और जितना एक बार जरूरी है कि जैसे जो लोग पहले सामने आए थे आयांश को मदद करने के लिए, अगर काश एक बार फिर से अगर वो एक बार बल लगा दे तो कहीं ना कहीं आयांश की वो अमाउंट पूरा हो सकता है, आयांश की जिंदगी और इसकी जान बच सकती है, ये बात सही बोल रहे हैं। जो समाज सेवी जो पत्रकार बहुत लोग आए थे आयांश के घर पर, वादा किया था, आखिर क्या वजह है कि सब दूर चले गए? देखिए किसी को कोई गलत फैला दिया कि आयांश की मम्मी आयांश के पापा पैसा लेकर के भाग जाएंगे, तो ये सब गलत बात है, आयांश के मम्मी और पापा आयांश के कहीं नहीं जाएंगे, पटना में ही रहेंगे, लेकिन आयांश ठीक होगा और फिर वही आयांश आप लोग के सामने आ रहे हंसेगा, और ये सब गलत बात है कि कोई पैसा लेकर, या जिसके लड़के को ये हुआ है वो कभी लेकर के क्यों भागेगा, किसी का लेकर के भागेगा तो उसे क्या मतलब, क्यों भागेगा लेकर के, आ करके आयांश को गोदी में लीजिए उसके बाद बोलिए कि कौन क्या करेगा। जी हाँ, हम भी यही चाहते हैं कि एक बार प्लीज़ करके जो मानवता का काम पहले हो रहा था
अयांश को मदद की जा रही थी, देश विदेश से मदद राशि आ रहे थे, यहाँ तक कि बहुत सारे समाज सेवी गली मोहल्ले के जो भी इनके आसपास के रहने वाले थे वो सब पता नहीं कहाँ चले गए। हम चाहते हैं, जनमंच न्यूज यही चाहती है कि एक बार फिर से बल लगाया जाए अयांश के मुहिम को, ताकि हो सकता है अयांश की ज़िंदगी बच जाए। नेहा जी, क्या गुहार लगाना चाहती थी जो पहले समाज सेवी थी आपके पास? सर, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये लोग जो भी आए हैं, ये मेरी जो दीदी है, कज़िन सिस्टर है, उनके ये बेटे हैं और ये हमारे गांव से ही आए हैं। और सबसे मैं बस यही अपील करना चाहती हूँ कि जिस प्रकार अब तक आप लोगों ने हमें सहयोग दिया है, वो उम्मीद बनाई है, उसी उम्मीद को प्लीज़ आगे भी बनाए रखें ताकि हम अपने अयांश को बचा सकें। बहुत सारे लोग आपके घर पे आते थे, पैसे लेकर आते थे, जैसे कि आप देख लीजिए उधर उधर बहुत सारा आपको डब्बा मिलेगा अयांश को लेकर, जो भी डोनेशन मांगा गया था उधर सब रखा हुआ है, सब सुना पड़ा हुआ है। जो देख रहे हैं अभी, जो पहले आए थे आपके घर पे, पैसे ला के पहुँचाते थे घर घर से मांग कर, उनसे एक बार फिर से क्या गुहार लगाना चाहिए? सर, मैं सबसे बस यही कहना चाहती हूँ कि जिस प्रकार आपने शुरू में एक बार एफर्ट लगाया था, एक बार और उसकी ज़रूरत है। एक बार आप लोगों ने एफर्ट लगाकर हमें 7,23,70,80,000 तक पहुंचा दिया है, तो प्लीज़ इस बार एफर्ट लगाकर अयांश को इंजेक्शन दिलवा दीजिए। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करती हूं कि प्लीज़ अयांश को बचाइए और अयांश की हेल्प करिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।